गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो चल रहा था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मैं आपके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो आज जो सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो हमारा रहेगा फीसन। फीसन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन यानी एक सिंगल जो सेल है वो कई सेल्स में टूट जाता है। ठीक है, दो सेल में भी टूट सकता है, चार में टूट सकता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है मल्टीपल फीसन। मल्टीपल फीसन यानी बहुविखंडन जो हो जाएगा वो कैसे होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल जो है वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करती है, जनन करती है कि एक सिंगल सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का एग्जांपल हम ले रहे हैं। प्लाज्मोडियम की ये सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये जैसे मान लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर बनी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया, तो इसकी कवरिंग है उसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट यानी क्या है, ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। प्रोटेक्टिंग लेयर यानी जो इसको प्रोटेक्ट करती है। अनफेवरेबल कंडीशन जब रहेंगे, अनफेवरेबल प्लाज्मोडियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन जब रहते हैं तो प्लाज्मोडियम किस तरह से चेंज होगा। जैसे ये इसकी सेल होगी, ये इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, जो सिंगल न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस तरह से सेल जो है वो बनेंगे और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये ब्रस्ट हो जाता है और ब्रस्ट होने के बाद में बहुत सारे जो हमें मान लेते हैं कि जो प्लाज्मोडियम्स हैं वो इसके बन जाते हैं। मे बी 2, 3, 4, 5 मोर देन 2, सो मेनी प्लाज्मोडियम्स आर देयर। तो ये वाला प्रोसेस होता है प्लाज्मोडियम में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब हुआ विखंडन, जो टूट जाता है। जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगे ये रिप्रोड्यूस करेगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेंगे ये सभी सेल्स जो है वो यहां से बाहर निकल जाते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको सिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारा मल्टीपल फीशन इन प्लाज्मोडियम। थैंक यू।